कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। ये वीडियो देखिए। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। इस शख्स को सुना आपने किस तरह से ये शख्स हिंदू मुस्लिम के उन्माद को फैला रहा है, किस तरह से ये देश के भाईचारे को नफरत की आग में झोंक रहा है, जिस तरह से ये तिरंगे के खिलाफ नफरत फैला रहा है और तिरंगे को बहिष्कार करने के लिए कह रहा है। आप सोचिए, तिरंगा देश की आन बान और शान है, ये उसी का बहिष्कार करने की बात कर रहा है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस शख्स को देखकर आप पहचान तो गए होंगे। जी हाँ, ये वही शख्स है यती नरसिंहानंद, जिसने इस तरह के नफरती बयान पहली बार नहीं दिए हैं, कई बार दे चुका है। कई बार इसने नफरत फैलाने की कोशिश की है और कई बार ये जेल में भी जा चुका है, लेकिन इसकी हिम्मत देखिए कि अभी तिरंगे के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनकर हिंदुओं को ही गाली देता है। ये शख्स ना हिंदुओं को ना मुस्लिम बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। ये सांप्रदायिक विशेष पार्टी का एजेंट है तभी इस तरह की नफरत फैलाने वाली बात करता है। इसके कपड़ों से ही आप पहचान सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम वाली नफरत को बढ़ावा दे रहा है और किस तरीके से पार्टी जीतेगी, कैसे पार्टी को जिताना है, क्योंकि जिस सांप्रदायिक विशेष पार्टी का एजेंट है तभी इस तरीके के भारत में बयानबाजी देता हुआ नजर आता है और हमेशा से इस तरीके के उन्माद को बढ़ावा देता है। इसके कपड़ों से आपने पहचाना जा सकता है, आप इसके कपड़ों से पहचान सकते हैं। अगर ये देश में हिंदू मुस्लिम वाली नफरत नहीं फैलाएगा तो सोचिए इसकी पार्टी कैसे जीतेगी, क्योंकि लोग बेरोजगारी और महंगाई पर बात करने लगेंगे, इसीलिए इस तरीके के उन्माद फैलाता फिरता है ये व्यक्ति। मगर सोचिए, तिरंगा इस देश की शान है, आन है, बान है, मगर ये शख्स तिरंगे का बहिष्कार कर रहा है और भगवा झंडे को फहराने की बात कर रहा है। सोचिए ये किस तरीके से एक तिरंगे के लिए नफरत फैला रहा है, जिस तिरंगे की यात्रा के लिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं। आखिर ये व्यक्ति इतनी बेपरवाही से इतना जहर कैसे उगल सकता है? आखिर कौन है वो लोग जो इसके पीछे खड़े हुए हैं? क्योंकि कभी ये राष्ट्रीय तो कभी राष्ट्रीय प्रतीकों तो कभी राष्ट्रीय आदर्शों और तो और राष्ट्रीय धरोहरों तक को कोसता है, तो कभी राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सद्भावना को कोसता है। ये शख्स हिंदुओं की बात करता है लेकिन हिंदुओं को भी कोसता है। ये शख्स असली दुश्मन हिंदुओं का ही है, जो लगातार इस तरीके के उन्माद फैलाकर उनको इन बातों में लगाकर और ऐसे देश के सद्भावना और सौहार्द को खराब करके लगातार ऐसी ही नफरत फैलाता आ रहा है। मगर सोचने वाली बात यह भी है कि मोदी जी ने तिरंगा अभियान चलाया है, तो क्या उन्होंने ये अभियान एक मुस्लिम के फायदे के लिए चलाया है? अगर यती नरसिंहानंद सही है तो क्या फिर मोदी जी चोरी छुपे मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, जिसे अंध भक्तों को भी नहीं पता है? सोचिए, मोदी जी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं और तिरंगा डीपी लगवा रहे हैं, मगर वहीं आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस अपनी डीपी में तिरंगा नहीं लगाता है। तो वहीं दूसरी जगह ये यती नरसिंहानंद तिरंगे का अपमान करता है, बहिष्कार करता है। क्या इस शख्स के ऊपर यूएपीए जैसे कड़े कानून नहीं लगने चाहिए?
क्या इसे आतंकवादी घोषित नहीं किया जाना चाहिए, मगर सरकार इन सब पर मौन है। राजनेता और योगी आदित्यनाथ तक इस पर मौन है। वहीं अगर ये बात टोपी दाढ़ी वाले ने बोली होती तो ये लोग छाती पीट पीट कर अभी तक पूरा हंगामा मचा दिए होते, पूरे देश में कोतूहल मच गया होता। लेकिन आप सोचिए, ये बात बोलने वाला, ये हंगामा करने वाला और ये इस तरीके की वीडियो वायरल जो हो रही है, लगातार इस तरीके के बयान देने वाला कोई और नहीं, ये भगवाधारी चोले में ये यति नरसिंहानंद है, जिसके अनुसार ये लगातार इसी तरीके की कोशिश करता आया है, लगातार देश में इस तरीके की नफरत फैलाता आया है, हिंदुओं मुस्लिमों को लड़ाता आया है। तो कभी ये ऐसी धर्म संसदें सजाता है जिसमें मुस्लिमों को काटने और मारने की बात करता है, तो कभी ये अजमेर शरीफ जैसी दरगाह के लिए कहता है कि वहां पर हिंदुओं को जाना नहीं चाहिए, वहां हिंदुओं को वैष्णो देवी जाना चाहिए। तो ये इस तरीके के उन्माद लगातार फैलाता रहता है, क्योंकि इसकी पार्टी लगातार जीतती रहे और जो लोग हैं वो लगातार ऐसी बातों को, मतलब कि ऐसी महंगाई और शिक्षा बेरोजगारी पर बात ना करें, इसलिए इस तरीके के ये उन्माद फैलाता रहता है। तो आप ही सोचिए कि क्या इस देश में तिरंगे का अपमान लगातार करने वाले लोगों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए, क्या इस पर आतंकवादी जैसे कानून नहीं लगने चाहिए। इस शख्स ने लगातार तिरंगे का अपमान किया है, घर घर तिरंगे को इसलिए बदनाम कर रहा है क्योंकि एक मुस्लिम द्वारा झंडे का यानी कि तिरंगे का ठेका लिया गया है, इसलिए ये बहिष्कार करने की बात कर रहा है। सोचिए, देश की शान तिरंगा, उसके अपमान को ये लगातार देश जग में जाहिर कर रहा है और लगातार तिरंगे का अपमान करते हुए, बहिष्कार करते हुए भगवा झंडे लगाने की जो ये वीडियो वायरल हो रही है, लगातार भगवा झंडे लगाने का अनुरोध कर रहा है। सोचिए, ये कितना बड़ा दुश्मन है देश का कि इसके ऊपर क्यों ना शिकंजा कसा जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सिख साथ देखते रहिए जनित आवाज।